हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कार्फैक्ट्स। एंड कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस, आज हमारे साथ है वैगनार का फ्लेक्स फ्यूल मॉडल। तो जिन लोगों को फ्लेक्स फ्यूल के बारे में नहीं पता, उनको बताता हूँ। फ्लेक्स फ्यूल ये एक कॉम्बिनेशन है एथनॉल और पेट्रोल का। करंटली जो आप पेट्रोल देख रहे हैं, जो से हमारी सिटीज़ में मिल रहा है, उसमें भी एथनॉल मिक्स किया जा रहा है। उसमें जो अभी करंट जो रेशियो चल रहा है, वो 20/80 का रेशियो चल रहा है, यानी कि 20% एथनॉल एंड 80% पेट्रोल। अब बात करें इस कार की, तो इस कार में मारुति ने फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, जिसके वजह से अब ये 85% एथनॉल तक को सपोर्ट करता है। इंजन में सिर्फ इतना ही चेंजेस नहीं है, इंजन में कई सारी चीज़ें चेंजेस की गई हैं। जैसे इंजेक्टर्स चेंज किए हैं, ECU चेंज किया गया है, इसके कंट्रोल यूनिट को अपग्रेड किया गया है, एंड पिस्टन भी कार के अपग्रेड किए गए हैं ताकि वो इस फ्लेक्स फ्यूल को सपोर्ट कर सके। इसके अलावा आपको कार में और ज़्यादा कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। बट फिर भी अगर मैं आपको इसका एक्सटीरियर लुक दिखाऊं, तो अगर हम इसके टायर प्रोफाइल में से देखें, तो इसमें आपको 14 इंच के टायर मिलेंगे विद ब्लैक अलॉय, एंड ब्लैक अलॉय काफ़ी अच्छे लग रहे हैं कार में। अगर बात की जाए, अगर इसका साइड प्रोफाइल अगर आप देखें, तो आपको सेम साइड प्रोफाइल मिल रहा है, उसमें थोड़ा स्टिकरिंग यूज़ की गई है। एंड अगर बात करूं कार के बूट की, तो इसमें आपको 341 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, एंड जो काफ़ी डीप है। एंड बूट स्पेस के मामले में कार बहुत अच्छी है, वो काफ़ी सफिशियंट बूट स्पेस है, और आप इजीली अपना इसमें लगेज कैरी कर सकते हो। इसमें कहीं आपको बूट लैंप देखने को नहीं मिलेगा, ना ही कंपनी ने कोई हुक प्रोवाइड किया है। आई थिंक ये बेसिक चीज़ मारुति इसमें दे सकती है। अब चलते हैं इसकी रेयर सीट में और देखते हैं कि रेयर सीट में कितना स्पेस है। तो रियर सीट से पहले आप इसमें डोर देखेंगे, तो डोर में आपको थोड़ी सी स्टिकरिंग यूज़ की गई है, और पावर बटन आपको दोनों मिल जाएंगे। रियर सीट में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलेगा। कार में बैठ के देखते हैं कि इसकी सीट कितनी कंफर्टेबल है। तो अगर आप सीट देखेंगे, तो सीट काफ़ी कंफर्टेबल है और लेग स्पेस भी काफ़ी है। अगर मैं रियर से आपको डैशबोर्ड का लुक दिखाऊं, तो रियर से डैशबोर्ड का लुक कुछ ऐसा लगता है, और जो कि पहले कार जैसा ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। बट फिर भी हम चल के आगे देखते हैं कि फ्रंट सीट से डैशबोर्ड का लुक कैसा आता है। कई से इसका टॉप मॉडल है, और इस मॉडल में कंपनी ने ड्यूल टोन इंटीरियर किया है, ब्लैक एंड वाइट का शेड यूज़ किया हुआ है। और कार का अगर लुक देखोगे इंटीरियर का, तो वो पहले कार जैसा ही है। अगर मैं बात करूँ आपको सारे कंट्रोल्स की, तो आपको ड्राइवर सीट में ही पावर विंडोज़ एंड ORVM के कंट्रोल मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसमें ऑटो स्टार्ट स्टॉप का भी फीचर दिया गया है, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल फीचर है। गियर की पोजीशनिंग वैसी ही है जैसे पहले थी। बात की जाए ग्लव बॉक्स के साइज़ की, तो ग्लव बॉक्स का साइज़ काफ़ी छोटा है गाइस, आपको स्टोरेज ज़्यादा नहीं मिलेगी इसमें। उसके अलावा इसमें आपको स्टेयरिंग पे कंट्रोल मिल जाएंगे, एंड आपको ड्राइवर साइड आपको वैनिटी नहीं मिलेगा, आपको पैसेंजर साइज इसमें वैनिटी मिरर दिया हुआ है। इसके अलावा अगर देखा जाए कार में, और कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, एज इट इज़ पुरानी कार जैसे ही है। सीट्स पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है मुझे। अब चलिए बाहर चलते हैं एंड फिर बात करते हैं। ओके गाइस, तो इस कार की जो मेजर हाईलाइट है, वो इसका फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी है। एंड जैसे कि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी बोल चुके हैं कि इंडिया में अब फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, एंड आप हो सकता है कि आपको फ्यूचर में फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और भी कार्स देखने को मिले। तो गाइस, आपका क्या थॉट है इस बारे में, और क्या आप लोग एक्साइटेड हैं इस नई टेक्नोलॉजी के लिए? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।